इंटर कन्वर्जन ट्रायंगल, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, इसी में हम लोग पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ट्रायंगल। तो हमारा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का जो टॉपिक है इसी में आएगा इंटर कन्वर्जन ट्रायंगल। तीन स्टेट पढ़ा, कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड मतलब किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? बोलो नाम क्या होता है? इसको हम लोग या तो मेल्टिंग बोलते हैं या फिर इसका दूसरा नाम है फ्यूजन। और लिक्विड को जब सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस का नाम बताओ? सॉलिडिफिकेशन। हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। अच्छा, लिक्विड को जब हम गर्म करेंगे तो ये गैस में कन्वर्ट होगा, प्रोसेस का नाम बताओ? यहाँ पे होगा बॉइलिंग या फिर इवेपोरेशन। इस दोनों ही प्रोसेस से, बॉइलिंग से भी और इवेपोरेशन से, दोनों ही प्रोसेस से लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म। अच्छा, गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो इस प्रोसेस का नाम होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बोलते हैं जब हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे भी कुछ सब्सटेंस होते हैं, और उस तरह के जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या नाम बोलते हैं बच्चों? सब्लिमेशन। व्हेन सॉलिड विल कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू गैस, और अगर गैस सॉलिड में डायरेक्टली कन्वर्ट हो, डिपोजिशन। तो इस प्रोसेस का पहले नाम सब्लिमेशन ही था, ठीक है, 4-5 साल पहले तक इसका नाम भी सब्लिमेशन ही था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है डिपोजिशन। अब इसका नाम हो गया है डिपोजिशन। लेकिन किसी स्कूल में अगर सब्लिमेशन ही बोला जाए इसको, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि अभी भी कई सारे बुक्स ऐसे मिलेंगे जिसमें कि इसका नाम सब्लिमेशन ही लिखा हुआ है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसमें इसी को बोला जाता है क्या, इसी का नाम है, इसी ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? इंटर कन्वर्जन ट्रायंगल। इसको इंटर कन्वर्जन ट्रायंगल बोलते हैं। अच्छा, आपको मैंने टेम्परेचर और केल्विन ये सब डिग्री सेल्सियस और केल्विन पढ़ाया है। अच्छा, इसके बाद वो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सब्लिमेशन। तो हेडिंग डालें एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की सबसे मोस्ट कॉमन यूनिट जो है वो है डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, है ना, डिग्री सेल्सियस का ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट इज डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसके अलावा एक और यूनिट है जो कि हम लोग यूज करते हैं, एंड दैट इज फारेनहाइट। डिग्री फारेनहाइट का नाम सुना है? एफ से डिनोट करते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको अभी नहीं समझेंगे। दिस इज नॉट इन सिलेबस, आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हमारी जो एसआई यूनिट है, ये साइंटिफिक यूनिट, ये टेम्परेचर की साइंटिफिक यूनिट है, इसलिए इसको एसआई यूनिट कंसीडर किया गया है। तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज वेरी साइंटिफिक एंड इट इज केल्विन। केल्विन को हम लोग के से डिनोट करते हैं, ठीक है, केल्विन को के से डिनोट करेंगे। तो मैक्सिमम जगह पे आपको टेम्परेचर जो गिवन होगा वो होगा डिग्री सेल्सियस, उसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। तो टेम्परेचर अगर हमें केल्विन में निकालना हो, तो इसका तरीका क्या होता है? जो भी टेम्परेचर है गिवन आपको, टेम्परेचर गिवन इन डिग्री सेल्सियस जो भी गिवन है, उसमें आप ऐड कर दो 273। जो भी टेम्परेचर गिवन होगा डिग्री सेल्सियस, तो उसमें कितना ऐड करोगे बच्चों? 273 ऐड कर दोगे, तो ये बन जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन। मान लीजिए कि आपको टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये केल्विन में कितना हो गया? 0 + 273, ये आ गया 273 केल्विन। अगर मान लीजिए हमने बोला 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर पता क्या होता है? रूम टेम्परेचर इज कंसीडर्ड टू बी 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, रूम टेम्परेचर 25 ही कंसीडर किया जाए इंडिया के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। तो रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा मतलब कन्वीनियंट भी होता है। तो अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें, तो 25 + 273 ये हो जाएगा 298 केल्विन। केल्विन में डिग्री नहीं लगता, ध्यान रखना, केल्विन को डायरेक्ट के से लिखोगे, इसमें डिग्री नहीं लगाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन, 373, बिल्कुल सही, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये हो जाएगा 100 + 273, ये आ गया 373 केल्विन। अगर केल्विन में गिवन हो तो डिग्री सेल्सियस में कैसे निकालेंगे? -273 करते। मान लीजिए कि आपको टेम्परेचर दे रखा है केल्विन में 500 केल्विन, इसको कन्वर्ट करना है इन डिग्री सेल्सियस, तो 500 - 273, देखो केल्विन में निकालना है, ये डिग्री सेल्सियस में निकालना है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बताओ कितना होगा? 3 है। माइनस करोगे सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि सॉलिड विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। हर एक सब्सटेंस सब्लिमेंट्री नहीं होता, कुछ ही सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सब्लिमेंट्री सब्सटेंस, कहने का मतलब कुछ ही सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली सॉलिड से किसमें कन्वर्ट होंगे? गैस, और इसका वाइस वर्सा भी होगा, गैस से डायरेक्टली कन्वर्ट होंगे उसको डिपोजिशन, उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग सप्लीमेंट्री सब्सटेंस बोलेंगे। ये बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए ये सब्सटेंस कन्वर्ट होते हैं सॉलिड से गैस। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा?
लिखो डेफिनेशन लिखो द प्रोसेस इन विच सॉलिड विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म विदाउट कन्वर्टिंग लिक्विड स्टेट। इसके जो एग्जांपल हैं जिसको कि हम लोग सब्लिमेटरी सब्सटेंस भी बोलते हैं, इसके सबसे कॉमन एग्जांपल है कैम्फर, कपूर। जब हम कपूर को घर में जलाते हैं तो कपूर डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो। आप लोगों ने नेफ्थलीन की बॉल देखी है? देखा नेफ्थलीन बॉल? ड्राई आइस। कहां पे यूज किया जाता है नेफ्थलीन का? बोलो उसमें कपड़े वगैरह में डाल देते हैं जिसको स्टोर करके रखना होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। उसके कारण पूरे बॉक्स में जो है वो स्मेल आती रहती है और उस स्मेल के कारण इंसेक्ट्स उसमें एंटर नहीं करते। उसको नेफ्थलीन बोलते हैं, व्हाइट कलर का जो बॉल होता है दैट इज नेफ्थलीन। हां, इतनी बड़ी लगभग बॉल होती है, वो कपड़े के बीच में डाल देते हैं, नेफ्थलीन बॉल। नेक्स्ट है आईस ब्यूटी। क्या बोले फिर से बोलो सर? ड्राई आइस। हाँ, वो भी होता है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड जिसका की फॉर्मूला होता है NH4Cl, NH4Cl। देखो ध्यान से लिखना, N कैपिटल, H कैपिटल, 4 नीचे में सबस्क्रिप्ट में, C कैपिटल, L स्मॉल। ध्यान रखना ये सब बातों का, ठीक है? जब भी कोई किसी भी एटम का नाम, किसी भी एलिमेंट का नाम लिखा जाता है तो एलिमेंट का नाम लिखते वक्त हम क्या ध्यान, जैसे मान लो उस एलिमेंट के की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ सिंगल लेटर से, जैसे सपोज करो एक एग्जांपल सबसे कार्बन, कार्बन को सी से लिखें तो इसमें कैपिटल लेटर सी का यूज करें। अब जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए सिंबल यूज करना है तो हम ओ यूज करेंगे कैपिटल। लेकिन अगर मान लीजिए हमें लिखना हो कैल्शियम, अब कैल्शियम में कार्बन के लिए हम सी यूज कर लिए तो यहाँ के लिए सी यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों लेटर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे सी कैपिटल और ए स्मॉल, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकंड लेटर उसका स्मॉल होगा। ध्यान रखना ये सब बातों का, ध्यान रखना सब्सक्रिप्ट हमेशा जो लिखा जाता है वो नीचे में लिखा जाता है, बीच में नहीं लिखा जाए। आप जैसे एक और एग्जांपल समझो, जैसे सपोज करो मान लो कि ये है और ऐसे हम लिख, और ये है और ऐसे लिख, दोनों का मतलब अलग अलग है। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड बट दिस इज कोबाल्ट, कैपिटल सी स्मॉल ओ इज कोबाल्ट, एक एलिमेंट है और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? इसलिए जो लिखते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बाद में प्रैक्टिस में आ जाएगा, बट अभी जो है जब नहीं पता है ये सब चीज तो ध्यान रखना है। तो अमोनियम क्लोराइड, दूसरा एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल इसका है सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं। सॉलिड CO2 इज कॉल्ड एज ड्राई आइस। एंथ्रासिल भी इसका एग्जांपल है, आयोडीन, आयोडीन भी है। अच्छा, आप लोगों ने घरों में एक वॉशरूम वगैरह में आप लोगों ने यूज किया होगा ओडोनिल, यूज करते हैं ना, ओडोनिल का जो पैकेट होता है उसमें देखते हो सॉलिड होता है और धीरे धीरे उसमें से स्मेल निकलती रहती है, या वहाँ पे लिक्विड कुछ बनता है? नहीं बनता, वो सॉलिड से डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया, तो वो भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। ये सबके सब एग्जांपल है जिसमें कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा, वाइस वर्सा भी होगा, बट उसको हम लोग डिपोजिशन बोले। इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखें, इसके लिए हमने क्या किया, एक ले लिया चाइना डिश और इसमें हमने डाल दिया अमोनियम क्लोराइड। हमें दिखाना क्या है कि अमोनियम क्लोराइड इज अ सप्लीमेंट्री सब्स, ठीक है? यहाँ पे हमने ले लिया व्हाइट कलर्ड पाउडर अमोनियम क्लोराइड, ये है चाइना डिश, ग्लास की डिश होती है। इसको हम डाल देते हैं एक वायर गॉज के ऊपर, तार की जाली होती है उसके ऊपर हम इसको कर देते हैं। वायर गॉज का यूज किया हो कभी आप लोग? किसी कोई बच्चा लैब में गए हो? लैब में वायर गॉज का यूज पता है किसी को क्या होता है? तार की जाली जो होती है, बोलो बोलो, बिल्कुल सही, वेरी गुड। वायर गॉज जो होता है, वायर मैच जो होता है, इसका यूज क्या होता है कि डायरेक्ट हीट इस पे ना आए, किस पे ना आए, चाइना डिश पे। चाइना डिश किस चीज का बना है? ग्लास का, टूट सकता है, इसलिए हम लोग हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि डायरेक्ट इस पे हीट ना आए, हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसके लिए हम लोग वायर गॉज का, वायर मैच का यूज करते हैं। इसके लिए इसको हमने डाल दिया एक स्टैंड पे, उस स्टैंड पे डाल करके स्टैंड पे डाल दिया और इसके नीचे हमने डाल दिया बर्नर यूज किया। फ्लेम का कलर क्या होता है बताओ? सच में यूज किया फ्लेम का कलर? ब्लू। अच्छा चलो ठीक है, ऑरेंज का। जब ऑक्सीजन कम हो, बिल्कुल सही है, जब ऑक्सीजन कम होगा इसका मतलब अगर फ्लेम का कलर येलो आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन वहाँ कम आ रहा है। तो नीचे में एक होल होती है ना, इसमें बनी हुई सी छोटी सी होल जैसी बनी होती है, इसका मतलब वो पूरा पैक्ड है, उसको थोड़ा सा ओपन कर दोगे, यहाँ पे छोटा सा होल जैसा एक होल्ड की तरह होता है ताकि ऑक्सीजन जा सके, इसको आप हल्का सा खोल दोगे अगर वहाँ पे येलो फ्लेम आ रहा है, इसका मतलब जैसे घर में जब चाय वाय बन रहा हो या दूध कभी अगर देखा बर्नर पे गिर जाता है तो क्या होता है? अच्छा, गैस के फ्लेम का कलर क्या होता है? हमारे घरों में जो गैस का फ्लेम होता है ऑरेंज कब होता है? जब ऑक्सीजन कम हो जाए, मतलब बर्नर में होल्स होते हैं ना, बर्नर देखा है, गैस स्टोव की बर्नर, उसमें होल्स होते हैं और अगर होल्स बंद हो जाए, होल्स ब्लॉक्ड हो जाए तो उसका कलर हो जाएगा येलो। क्यों? ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है? ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाने के कारण वो हो जाएगा येलो। यहाँ पे ब्लू कलर की फ्लेम आनी चाहिए, ध्यान देना, ब्लू फ्लेम। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे एक इन्वर्टेड फनल, एक इन्वर्टेड फनल डाल दिया हमने यहाँ पे, और इन्वर्टेड फनल के ऊपर में हमने यहाँ पे लगा दिया कॉटन को बोल करके दबा के उसके अंदर डाल दिया, पैक कर दिया ऊपर। ये हमारा सिस्टम हो गया तैयार। अब हम जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा कि ये अमोनियम क्लोराइड जिसका की फॉर्मूला है NH4Cl, ये गर्म होगा और गर्म होगा तो ये सॉलिड से डायरेक्टली किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? दैट वी कैन सी कि वहां पे कोई लिक्विड नहीं बना, वो सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हुआ बच्चों? गैस में कन्वर्ट हुआ। और जब ये ऊपर यहाँ पे जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, गैस ठंडी होगी, होगी ना ठंडी, और जब ठंडी होगी तो क्या होगा, ठंडा होने से ये फिर से अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ साइड में, इस साइड वॉल में अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में फिर से हो जाएगा क्या बच्चों? डिपॉजिशन। क्या होगा?
डिपोजिशन, डिपोजिशन अमोनियम क्लोराइड। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये हो गया गैसियस फॉर्म, और गैसियस फॉर्म जब ऊपर गया तो फिर से वो सॉलिड के फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे कोई लिक्विड का फॉर्म नहीं दिख रहा, ठीक है, यहाँ पे कोई लिक्विड का फॉर्म नहीं दिख रहा, सॉलिड से डायरेक्टली गैस, और गैस ऊपर गया तो फिर से ठंडा हुआ, और फिर जाकर के वो फिर से सॉलिडिफाई हो गया, डिपॉजिट कर गया। यहाँ पे वाटर प्लग क्यों लगाया, पर क्यों नहीं लगा दिया, सोचो, ताकि क्या निकलता है। बिल्कुल सही बोला उसने कि अगर हम यहाँ पे कॉटन प्लग की बजाय कॉर्क लगा दें तो फनल ब्लास्ट हो जाए, क्योंकि हीट निकलने का रास्ता नहीं है ना, यहाँ से हीट तो निकल जाएगी लेकिन अमोनियम क्लोराइड नहीं निकलेगा। बता दो क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि वो सॉलिड हो गया, ऊपर गया तो सॉलिड बन गया। कॉटन से लिक्विड निकल सकता है, कॉटन से लिक्विड निकल सकता है, कॉटन से गैस निकल सकता है, कॉटन से सॉलिड नहीं निकल सकता। कॉटन से क्या क्या चीजें निकल सकती है बच्चों, गैस निकल सकती है, लिक्विड निकल सकती है, कॉटन से सॉलिड नहीं निकल सकता। ये तो चूंकि सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका, तो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे ये आकर के डिपॉजिट, ठीक है। चलो एक बार फिर से हम लोग इसको रिकॉर्ड कर, सबसे पहले क्या किया, चाइना डिश लिया। सुनो ध्यान से सुनो, अगर किसी को कंफ्यूजन है सुन दो, मेरा यही एक्टिविटी पेपर में आ जाएगा, एनसीईआरटी का सब कुछ, तो एकदम यही चीज आता है पेपर में। चाइना डिश लिया, चाइना डिश लेकर के चाइना डिश में क्या डाल दिया, अमोनियम क्लोराइड की सॉलिड, इसको वायर मैश पे रखा। वायर मैश पे क्यों रखा, सो दैट हीट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, डायरेक्ट हीट नहीं आएगी इसमें से। हमने वहां पे ब्लू फ्लेम डाली, अब इसके ऊपर चाइना डिश के ऊपर हमने यहाँ पे डाल दिया इन्वर्टेड फनल, और इन्वर्टेड फनल के ऊपर में कॉटन प्लग लगा, जिससे हीट तो निकल सके लेकिन अमोनियम क्लोराइड ना निकले। तो हम देखते क्या है कि ये अमोनियम क्लोराइड पहले गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, डायरेक्टली कोई लिक्विड नहीं, डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ऊपर गया ठंडा हुआ, और ठंडा होकर के फिर से डिपॉजिट कर, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया सब्लिमेशन और फिर डिपॉजिट, क्लियर सबको, नोट डाउन कर लो और डायग्राम ड्रॉ कर लो प्रॉपर्ली, कोई चीज छोड़ना मत, नहीं होता दिक्कत। तो ये समझ में आ गया ना सबको, सब्लिमेशन की एक्टिविटी सबको क्लियर है। अच्छा यहां से एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड एज ड्राई आइस, क्वेश्चन समझ में आया, व्हाई इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड एज ड्राई आइस, क्या आंसर हो सकता है इसका, सोचो, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो क्या वो किसी चीज को गीला करेगा, गीला करेगा ही नहीं, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए उससे गीला नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। सबको लिखो क्वेश्चन, लिखो व्हाई इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाई इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड एज ड्राई आइस, लिखिए आंसर, लिखे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ सब्लिमेटरी सब्सटेंस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ सब्लिमेटरी सब्सटेंस विच विल कन्वर्ट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेज विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड स्टेज, गीला करना का इंग्लिश क्या होता है, वेट, सो इट विल नॉट वेट एनीथिंग, सो इट विल नॉट वेट एनीथिंग, क्लियर सबको इस क्वेश्चन का आंसर, ओके और जिस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो रही होती है उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, सिंपल सा डेफिनेशन है, प्रोसेस इन व्हिच सॉलिड कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू लिक्विड, डायरेक्टली हमने इसलिए यूज कर दिया क्योंकि हमने देखा था सॉलिड से गैसियस स्टेट में भी कन्वर्ट हो रहा था, तो सॉलिड से यहाँ पे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। द टेम्परेचर at which this phenomenon takes place, the temperature at which this phenomenon takes place, melting point, is its melting point. तो वो temperature जिसपे ये process हो रही होगी, उस temperature को हम उसका melting point बोलेंगे। जैसे मान लें कि कोई solid है, इसको हमें liquid में convert कर, तो हमने पढ़ा है कि solid के जो particles हैं, वो एक दूसरे के काफी close होते हैं। Particles काफी close होंगे, अगर हम इसके closeness of particles of matter की बात करें, तो इस जगह पे closeness is very high. Liquid में particles के बीच में distance बढ़ जाती है, और इसकी closeness हो जाती है less. जब हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं सब्सटेंस को, सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं सब्सटेंस को, तो हम वहां पे प्रोवाइड करते हैं हीट, है ना, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो जाकर के सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो एक्चुअली देखो तो जरा वो हीट एनर्जी यूटिलाइज कहां पे हो रही है, देखो तो हीट एनर्जी क्या कर क्या रही है, हीट एनर्जी इसके पार्टिकल्स के बीच की जो क्लोजनेस थी उस क्लोजनेस को बढ़ा रही है, मतलब पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा रही है। ये काम कौन कर रहा है, हीट एनर्जी का। अगर हम यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर की बात करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो किसमें हाई होगा, सॉलिड में हाई है, कम कहाँ पे है, लिक्विड में लेस है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कम हुआ कैसे, किसने किया, इस हीट एनर्जी ने इसको इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया। बिल्कुल सही, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया, जिससे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर कम, डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ। तो एक्चुअली ये काम कर कौन रहा होता है, ये काम हीट एनर्जी कर रहा होता है, कि उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दिया, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया, क्लोजनेस को कम कर दिया, तब जाकर के जब ये चीज ये प्रोसेस हुआ तो सॉलिड कन्वर्ट हो गया, किसमें, समझ में आया। तो मेल्टिंग में एक्चुअली ये फेनोमेनन, एक बात है, एक है आयरन की नेल, ये हो गया आयरन नेल, और ये हो गया एक, ठीक है, आयरन नेल और कैंडल, दोनों सॉलिड है ना, दोनों सॉलिड है, लेकिन दोनों में से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका है, आयरन नेल का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। चलो इसको रख कर दो, अगर हम इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो आयरन नेल की मेल्टिंग पॉइंट हाई है और कैंडल की मेल्टिंग पॉइंट लेस है ना, सबको पता ये बात।
अब एक बार सोचो तो अगर हम आपसे पूछे कि दोनों में से किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, आयरन में पक्का। तो इसका मतलब ये हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें हाई है और इसमें लेस है। तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, बोल सकते हैं? Yes, sir. This means melting point is an indicator of the force of attraction between particles. जितना ज़्यादा force of between particles of matter, उतना ज़्यादा उसका melting point. Sir, उसी force of attraction को कम करने के लिए ज़्यादा temperature चाहिए उसमें. गरम कर दो. सब वही तो कह रहा हूँ, इसलिए melting point ज़्यादा है. क्या बोल रहे हो? Sir, जितना ज़्यादा force of attraction होगा, उतना ज़्यादा temperature लगेगा, इसलिए melting point ज़्यादा. हाँ, बिल्कुल. Temperature इसलिए लगता है ना, क्योंकि force of attraction को break करना है. So this means melting point is an indicator. किस चीज का इंडिकेटर? Of force of attraction between particles of matter. तो वो दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं उसका कंक्लूजन निकाल लूंगा. Force of attraction between particles of matter. Higher will be the force of attraction. Higher will be the force of attraction. Higher will be the melting point of that substance. Clear हो गया बच्चों सबको? पक्का? चलो तो अब इसके बाद एक और question है, वो हम लोग अगली class में करेंगे, वो इसी topic से है.